हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली, वैभवशाली आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिलो कवर के जो डिज़ाइंस होते हैं वो डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। ये हमारे लिए सब्जेक्ट आता है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेक्टेंगल बनाऊँगी और रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं वो बताऊँगी। सबसे पहले तो हमें सेंटर लाइन निकाल लेना है पेज का। एकदम ईजी मेथड है। पहले तो हमें लेंथ कितनी है ये देखना है और उसका हाफ हमें लेना है और पॉइंट हमें दोनों तरफ से जोड़ लेना है। दोनों तरफ का हाफ लेके पॉइंट लेना है और उसको हमें लाइन देके पार्ट बनाना है। उसके बाद दोनों तरफ से मैंने 10-10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है ऊपर और नीचे। और अभी मैं मुझे हम इसकी लेंथ जो लेनी है वो 16, इसके वजह से मैंने दोनों तरफ से 8-8 सेंटीमीटर लिया है डॉट निकाल के। अभी वो दोनों लाइन जोड़ दूँगी। इस तरह से हमें पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेना है। और हमारा पेपर का, ड्राइंग पेपर का सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बराबर बीच में हमारा ड्राइंग आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालना है और सेंटर पॉइंट निकालने के लिए ये मेथड एकदम इजी है। अभी हम क्या करेंगे, इसके पास डालेंगे। जैसे दिखा रहे वैसे आप बनाते जाओ। तो अभी बीच में एक मुझे पैटर्न निकालना है डिज़ाइन का। उसके लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मेज़रमेंट लिया है, 5 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ऊपर से डॉट लगा लिया है 5 सेंटीमीटर। चारों तरफ से हमें 5 सेंटीमीटर छोड़ के डॉट देने हैं। लाइंस देखे हमें मेज़रमेंट कर लेना है। क्योंकि हमारा ये ड्राइंग सिमेट्रिकल आएगा, मतलब हर एक पार्ट जो होगा सेम होगा, सेम मेज़रमेंट का होगा। इसके लिए हमने ये पूरा मेज़रमेंट डाल के लिया है। अभी मैं देखो उसमें ओवल शेप बना रही हूँ। इस तरह से ओवल बना रहे हैं। अभी जो बीच में का देख रहे होगे आप, उसमें का बराबर हाफ, 3 सेंटीमीटर था, 3 का मैंने 1.5 पॉइंट डाला है और उसमें से हमने बीच में हम लाइन डाल रहे हैं। अगर आप एक ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको एकदम इजी जाएगा। अभी यहाँ पे मैं अभी पेटल्स तैयार कर रही हूँ एकदम हल्के हाथ से। यह ड्राइंग हमें अभी हल्के हाथ से निकालना है। अभी जो देखो ऊपर का जो मैंने मेज़रमेंट लिया है जो पेटल्स का, उसका 8 सेंटीमीटर आता है पूरा। तो यहाँ पे भी मैं 8 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया है और उसी के हिसाब से मैंने बराबर पेटल्स का शेप दिया है। सेम ऐसे ही हमें पूरे पेटल्स बना लेने हैं। अभी इस तरह से हमारे पेटल्स तैयार हो गए। अभी जो कुछ भी हमारा बाकी का हमने मतलब सिमेट्रिकल बनाने के लिए जो भी कुछ हमने प्रोसेस तैयार की थी ड्राइंग के लिए, तो अभी हमें सब रब कर देना है, क्लियर कर देना है और ये ड्राइंग हल्के हाथ से निकालना है। हल्के हाथ से अगर निकालेंगे तो ये इजीली रफ होता है। उसके बाद क्या है, अभी पीलो कवर का डिज़ाइन मतलब रेक्टेंगल फुल दिखना चाहिए। इसके लिए क्या किया है मैंने, अभी बाद में जो है दोनों साइड में 2-2 सेंटीमीटर का भी फिर से लाइन बना लिया है। इस तरह से हमें भी बॉर्डर बनानी है।
और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे ड्राइंग जो बनाएंगे वो एकदम मतलब एकदम ज़्यादा बारीक नहीं बनाने, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा बारीक डिज़ाइन बनाते हैं या फिर ज़्यादा पैटर्न डालते हैं तो हमें कलर के लिए उतना ही टाइम जाता है, मतलब उतने टाइम में हमारा ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए, इस हिसाब से हमें ड्राइंग बनाना है। और अच्छा एक ही पैटर्न डालो लेकिन अच्छा वाला डालो ताकि हमें ग्रेड अच्छा मिले। इस तरह से सिंपल मैंने एक ड्राइंग बनाई है और एग्ज़ाम के हिसाब से एकदम ये सही है, क्योंकि उस टाइम में बराबर हमारा ये बन जाएगा। खाली दिखता था जगह, इसके लिए बाजू में सर्कल डाल दिया। अभी ये शेडिंग के लिए अच्छा दिख रहा है, इसके लिए मैंने डाल दिया, बाकी कलर में हमारा ये सब क्लियर हो जाएगा। कलरिंग में ये हम बाकी का पार्ट बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये पिलो कवर का डिज़ाइन तैयार हो गया एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह के मैं बहुत से आपके काम के जो वीडियोज़ हैं लेकर आऊँगी, ज्योमेट्री के भी वीडियोज़ में इसी तरह से लेके आऊँगी। वीडियो बड़े हैं लेकिन आपके काम के होंगे, क्योंकि आपके समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा स्पीड नहीं दिया है, आपकी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लोली स्लोली आपको बताया है। अगर आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।